हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को मारुति का सियाज गाड़ी का स्कैन कैसे किया जाता है लॉन्च के स्कैन प्लस टूल्स मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है OBD कनेक्टर जो 16 पिन कनेक्टर का है। मारुति का ये सियाज गाड़ी है। इग्निशन स्विच ऑन करके उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ये रहा, मैं पहले अपना स्कैन प्लस को अनलॉक कर देता हूँ लोकल डायग्नोसिस में। उसके बाद हम लोग, अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो एशियन सेलेक्ट करके, क्योंकि इंडिया का जितना सारा गाड़ी रहता है सब एशियन में दिया हुआ रहता है, तो मैं यहाँ पे एशियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मारुति इंडिया में जाएंगे। ये रहा मारुति इंडिया, उसके बाद ओके कर देंगे। ओल्ड मेन्यू और न्यू मेन्यू, तो मैं यहाँ पे न्यू मेन्यू में जाऊँगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट आ गया, सिस्टम स्कैन आ गया और सिस्टम सिलेक्शन आ गया। और सिस्टम सिलेक्शन आप क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इसमें टोटल सारा जो भी इसका फंक्शन है टोटल दे दिया। तो फिर हम उसको बैक कर देंगे हेल्थ रिपोर्ट में, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको ओके कर देना है। मैं वीडियो कुछ देर के लिए स्टॉप कर दे रहा हूँ ताकि लंबा वीडियो ना बने। देखिए फ्रेंड, धीरे धीरे फॉल्ट बता रहा है कि मेरे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है टोटल आ गया। देखिए अब देखिए फ्रेंड, मेरे ये सियाज गाड़ी में इतना सारा प्रॉब्लम बता रहा है। ABS का जो हिस्ट्री में बाकी जो करेंट में रहेगा उसको आपको अच्छा से ध्यान देना है, क्योंकि करेंट वाला जो रहता है वो आपका डिलीट नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप क्लियर भी कर देंगे, हाँ अगर डिलीट होगा, अगर मान लीजिए आप अगर कोई चीज़ का अगर काम किए हैं गाड़ी में, जैसे कैम सेंसर हो गया, क्रैंक सेंसर हो गया, अगर आप उसको रिप्लेसमेंट किए हैं, अगर वो कोड पहले से है, उसके बाद जो अगर आपको करेंट में भी दिखा रहा है तो उसको आप क्लियर कोड करने से आपका ये हट जाएगा। नहीं तो नॉर्मली अगर गाड़ी आप फर्स्ट टाइम चेक कर रहे हैं और उस समय जो अगर आ रहा है तो उसका सबसे पहले आप फ़ोटो ले लीजिएगा, क्योंकि कितना समय ये भी होता है कि मान लीजिए अगर कोड दिखा रहा है और क्लियर करने से चला जा रहा है, फिर 15-20 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद फिर वह कोड आ जाता है। इसीलिए जब भी स्कैन कीजिएगा उसका फ़ोटो आप लोग ज़रूर उठा लीजिएगा। अब देखिए नॉर्मली हम इसको कुछ नहीं, बस इसको हम सिर्फ क्लियर अभी कर रहे हैं, देख रहे हैं उसके बाद क्या कोड हट रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर DTC लिखा हुआ है, तो इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ, इसको पढ़ लेना आपको और यहाँ पर यस कर देना है। अब देखिए मेरा क्लियर हो रहा है, अब देख रहे हैं इसके बाद भी कौन सा कोड रह रहा है। देखिए DTC हैव बीन क्लियर ओके, क्योंकि मैंने इस गाड़ी का काम किया था और इसका जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया था। और मैं आपको इसलिए ये वीडियो बना के दिया हूँ ताकि कितना मेरा भाई लोग है कि सोचता है कि स्कैनिंग कैसे किया जाता है, कितना आदमी को पता नहीं रहता है, इसलिए मैं बताने के लिए मैं ये किया हूँ। जितने सारे टेक्नीशियन भाई हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी कार का स्कैन कीजिएगा सबसे पहले उसका क्या करना है आपको, हिस्ट्री और करेंट को सबसे पहले आप फॉलो कीजिएगा। अगर जो हिस्ट्री कोड है वो हट सकता है, 90% चांस है कि वो हट जाएगा, लेकिन जो करेंट में है, अगर मान लीजिए आप क्लियर कर रहे हैं तो क्लियर करने के बाद मान लीजिए कि हट जाएगा, लेकिन वो फिर 10 किलो 5 किलोमीटर बाद जो अगर गाड़ी चलेगा तो फिर वो कोड आएगा ही आएगा। तो मेरे जितने सारा टेक्नीशियन भाई हैं स्टेप बाय स्टेप अच्छा से पढ़ के और उसको जो सारा फॉल्ट आ रहा है उसके ऊपर काम कीजिएगा।